भक्तगणों, धर्म स्थान में बैठने वाले पंडितों से, पंडित भाइयों से आप जो फायदे उठा सकते हैं, उससे पहले आपको एक योग्य पंडित, विद्वान पंडित की पहचान करनी होगी। उस पहचान को करने के पश्चात ही आप उसे अपने यहां होने वाले विभिन्न धार्मिक क्रियाकलापों के लिए नियुक्त कर सकते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले पहचान करिए कि क्या वह ब्राह्मण, क्या वह पंडित, क्या वह विद्वान पंडित ज्योतिष या धार्मिक क्रियाकलापों के महत्व को जानते हैं, क्या वो आपको विभिन्न मंत्रों का अर्थ समझा सकते हैं, क्या वह उन मंत्रों को सही प्रकार से प्रोनाउंस कर सकते हैं, उच्चारित कर सकते हैं, क्या उनको पूर्ण रूप से हवन, पूजन, नामकरण, विभिन्न कथाओं की या शादी से संबंधित जो मंत्र इत्यादि है उनकी पूर्ण रूप से जानकारी है। उसके पश्चात ही आप उन्हें इन कार्यों के लिए अपना परमानेंट रूप से नियुक्त कर सकते हैं, उनसे निवेदन कर सकते हैं कि वह आपके लिए हवन, पूजन इत्यादि के कार्य किया करें। सभी पंडित गण जो हैं वह विद्वान नहीं होते, क्योंकि प्राय देखा गया है कि यह लोग जब पांचवी, छठी, आठवीं, दसवीं पास करके अपने गांव से आए होते हैं, इन्होंने कुछ मंत्र इत्यादि को रट लिया होता है, इन्हें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती, उन मंत्रों का कोई अर्थ भी नहीं पता होता, जस्ट एक रटते हुए शब्द होते हैं जो कंप्यूटर की तरह या मशीन की तरह से उच्चारित करके आपके पूजा कार्य को निष्पादित या संपादित या पूरा कराते हैं। वह मशीनी रूप से किया गया पूजा कार्य कभी आपको शुभ फल देने में समर्थ नहीं हो सकता। तो आपको सर्वप्रथम किसी योग्य व्यक्ति का, किसी योग्य विद्वान पंडित का अपने घर के लिए चयन करना होगा, और उन्हीं से आप समय आने पर उनसे निवेदन करते करें कि वही आपके यहाँ पूजा पाठ के कार्य संपादित कराएं। योग्य विद्वान की पहचान करने के लिए आप गीता के दो चार श्लोक उनके पास लेके जाइए, गीता की किताब में से कहीं बीच में से दो चार श्लोक लेके जाइए, उनसे कहिए कि वो उसे पढ़कर सुनाएं और भावार्थ उसका समझाएं, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है उनको मत बताइए, आप उनकी परीक्षा लेने आए हैं। आप केवल उनसे निवेदन करें, विनयपूर्वक निवेदन करें कि हे प्रभु, आप इन श्लोकों का मतलब उच्चारण सिखा दें मुझे, मैं इन श्लोकों का नित्य पाठ करना चाहता हूँ और इसका शाब्दिक अर्थ सुना दें। वो दो चार श्लोक लीजिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा लेके जाएंगे कहेंगे टाइम नहीं है, या वो फिर आपसे कहेंगे कि आप श्लोक छोड़ जाइए, मैं किसी और, मैं आपको कल बता दूंगा, तो उनको ये मौका मत दीजिए। तो इसका मतलब तो फिर किसी और से जाके पूछ के आपको बाद में आके बता देंगे कि इसका ये अर्थ है, हालांकि वो उनके लिए उच्चारण करना भी इतना आसान नहीं होगा। तो आप केवल इसी प्रकार से उनकी पहचान कर सकते हैं कि आप उनसे विभिन्न मंत्र पूछ सकते हैं, जैसे कि पंडित जी शनिदेव भगवान का वैदिक मंत्र क्या है, प्रभु शनिदेव भगवान के लिए गायत्री मंत्र क्या है, बृहस्पति भगवान के लिए गायत्री मंत्र क्या है, राहु जी का गोत्र क्या है, केतु महाराज का गोत्र क्या है, ऐसी विभिन्न जानकारियां जो आपको मात्र सिंपल सी पंचांग जो हर पंडित व्यक्ति के पास होती है वह आम किताब की दुकान पर 40-45 रुपए में मिलती है। आप उस पंचांग को लेकर उसका अध्ययन करें आधा एक घंटा, उसमें से ही कोई मंत्र लेके पंडित जी के पास जाएं, उन्हीं में से उनसे पूछे पंडित जी वह मंत्र क्या है, तो आपको पता चल जाएगा आप जिन पंडित जी के पास जाकर निवेदन करना चाहते हैं वह कितना ज्ञान रखते हैं। यही एकमात्र तरीका है, वरना लंबे लंबे तिलक लगा के, बड़ी बड़ी चोटी रखकर, अपने चेहरे को रौद्र रूप वाला या बहुत साफ सुथरा बनाकर
आप यह नहीं जान सकते कि यह व्यक्ति योग्य ज्ञानी विद्वान पंडित है या नहीं। मेरे साथ भी दुर्भाग्य रूप से ऐसा हुआ है कि मैंने अपने किसी भक्तगण के लिए किसी पंडित को बोला है कि आप जरा ये काम कर दीजिए, और जब कार्य खत्म हो गया तो मैंने उनसे पूछा कि आपने किस मंत्र का प्रयोग किया है वह तो बता दीजिए। तो उन्होंने जो मंत्र बताया वह मंत्र कहीं किसी किताब में नहीं था, ना है ना होगा, उन्हें कुछ आता ही नहीं था। और जब ऐसे व्यक्ति मुझे मूर्ख बना सकते हैं तो आम आदमी का तो भगवान ही मालिक है। तो मैं यह कहना चाहूंगा आखिर में कि आप किसी के चेहरे पर मत जाइए, उसके कपड़े पर मत जाइए, आप उसने अपने आप को कितना लंबा चौड़ा तिलक लगा रखा है या दाढ़ी रख रखी है उस बात पर मत जाइए। आप उसके अंदर के ज्ञान की परख कीजिए कि इसे कितने मंत्र पता है। मतलब अगर हम सादा मंत्रों की बात करें कि मतलब उसे क्या वैदिक मंत्र पता है शनिदेव जी का, राहु जी का, केतु जी का, या आवाहन मंत्र शनिदेव जी का क्या है, या केतु महाराज का आवाहन मंत्र क्या है, या राहु महाराज का आवाहन मंत्र क्या है। अगर वो उसका सही उच्चारण कर सके बिना देखे बिना पढ़े, या उसका सही भावार्थ बता सके, तो आप मान लीजिए वो ज्ञानी है। या गीता के किसी श्लोक की व्याख्या कर सके, या उसको पढ़ के सुना सके आपको एक दो श्लोकों को, तो समझ जाइए वो ज्ञानी है। उन रटे रटाए मंत्रों की बात मत करिए। हालांकि शनि राहु केतु के जो मंत्र हैं वो नित्य पूजा में काम आते हैं, मगर दुर्भाग्यपूर्ण रूप से यह मंत्र भी इन लोगों को नहीं पता है। ये आधे अधूरे टूटे फूटे मंत्रों के साथ आपकी पूजाओं को संपन्न कराते हैं, जिस वजह से आपको किसी भी प्रकार की पूजा का अक्सर कोई फल प्राप्त नहीं होता, जब तक कि वो किसी योग्य विद्वान पंडित द्वारा ना की गई। तो मैं एक बार पुनः उन सभी विद्वान पंडित भाइयों से, आचार्यों से क्षमा चाहूंगा, क्योंकि यह विषय केवल उन ढोंगी और मूर्ख बनाने वाले पंडितों से संबंधित है, किसी ज्ञानी या योग्य ग्रेजुएट शास्त्री के बारे में नहीं है, या पोस्ट ग्रेजुएट आचार्य की डिग्री रखने वाले आचार्य के बारे में नहीं है। और इसके अलावा आप एक और प्रकार से पता कर सकते हैं कि उनसे पूछिए उन्होंने शास्त्री की डिग्री कहाँ से हासिल की थी, किस संघ में हासिल की थी। अगर उन्होंने की होगी तो गड़बड़ाएंगे नहीं, वो किसी भी मंत्र को पढ़ सकते हैं, किसी का भी अर्थ बता सकते हैं, क्योंकि वो उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। और ग्रेजुएशन की डिग्री शास्त्री की डिग्री होती है, जिसके जिसमें आपको सही प्रकार से सभी प्रकार के मंत्रों के बारे में बताया जाता है, उनका उच्चारण करना सिखाया जाता है, उनका प्रयोग करना सिखाया जाता है। आचार्य तो शास्त्री से भी बड़े होते हैं, क्योंकि यह पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो उनको उससे भी ज्यादा नॉलेज होती है। तो अपने घर में किसी पूजा पाठ इत्यादि के लिए बुलाने से पहले एक बार जांच लें कि आप जिन सज्जन को बुला रहे हैं उनको ज्ञान है या नहीं। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर से आप सभी व्यक्तियों को जो अपनी किसी न किसी परेशानी को लेकर परेशान हैं, चाहे वो परेशानी किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, उन सभी व्यक्तियों की परेशानी को दूर करने के लिए, आप सभी लोगों की बिना किसी फीस के मदद करने के लिए हर शनिवार यहाँ पर सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक जनता दरबार लगा रहा हूं। आप सभी व्यक्ति जो मुझसे परामर्श करके मेरे छोटे छोटे उपायों का प्रयोग करके अपनी विभिन्न प्रकार की परेशानियां दूर करना चाहते हैं, चाहे वो मैरिज की परेशानी हो, मैरिज की परेशानी हो, पढ़ाई लिखाई से संबंधित परेशानी हो, पढ़ाई लिखाई में मन ना लगने से संबंधित परेशानी हो, नौकरी की समस्या हो या प्रमोशन की समस्या हो, विदेश जाना हो या विदेश में रहते हैं पीआर नहीं मिल रही हो, धन से संबंधित समस्या हो, व्यापार से संबंधित समस्या हो, कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्या हो,
आप सभी लोगों की समस्या को मैं आपकी मदद करने के लिए 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक हर शनिवार को आपकी सेवा में उपलब्ध हूं। किंतु मुझसे मिलने आने से पहले एक बात का अवश्य ध्यान रखें, हमारे शनि पीठ मंदिर में भोग लगाने के लिए कोई फल का प्रसाद, कोई मिठाई या कोई ड्राई फ्रूट का भोग लगाने के लिए अवश्य घर से लेकर आए या रास्ते में से लेकर आए। मैं निश्चित रूप से, जैसा कि मैं पिछले 33 वर्षों से ऑलरेडी कर रहा हूं, आप लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए हर हद तक प्रयत्नशील रहूंगा। जय शनिदेव। मेरा नाम सोनमजीत कौर है, हम शंकर व्यास से आए हैं और हम 7-8 महीने पहले आए थे यहाँ पे। हमारे को आकर बहुत अच्छा लगा। हमारा थोड़ा पारिवारिक थोड़ी दिक्कत थी, काम में थोड़ी अड़चन आ रही थी। हमने गुरु माँ को बताया, उन्होंने हमारे को उपाय बताया, हमने किया और रिपुष रिंग एक पहनने के लिए दिया। तब जब से पहना है तब से हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मतलब कि इनका आशीर्वाद है हमारे सिर पे। हमारा काम भी चल रहा है अभी बहुत, और भी बहुत जो हमारी दिक्कत थी पूरी अच्छे से परिवार में रहने लगे हैं हम। बहुत आशीर्वाद है इनका। पहले तो हम इधर उधर बहुत घूम रहे थे लेकिन हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ा, बहुत घुमाया लोगों ने। लेकिन अभी मैं तो लोगों को यही कहूंगी, प्लीज आप गुरु माँ के दरबार में आए, इनका आशीर्वाद ले, इनसे मिले, आपको बहुत सुकून मिलेगा।